महाभारत काल में जिसे पांचाल क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, उत्तर प्रदेश में आज उसी क्षेत्र की पहचान बदायूं के रूप में है, जहां हो रहा है 24 के चुनावी कुरुक्षेत्र का सबसे बड़ा घमासान। बदायूं लोकसभा सीट पर 2019 में बीजेपी की संघमित्रा मौर्य ने जीत हासिल की थी। इस बार बीजेपी ने दुर्विजय सिंह शाक्य को मैदान में उतारा है, जिनका सीधा मुकाबला है समाजवादी पार्टी के आदित्य यादव से। मुलायम परिवार की तीसरी पीढ़ी के नेता आदित्य यादव समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव के बेटे और अध्यक्ष अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं। सैफई परिवार ने यहां सबसे पहले धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया, फिर शिवपाल यादव को, और आखिर में ऐलान हुआ आदित्य यादव के नाम का। अब आदित्य के लिए ये मुकाबला किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं, जिसके लिए वे दिन रात एक कर रहे हैं, क्योंकि आदित्य यादव को साबित करना है कि वे हैं सबसे बड़े चैलेंजर। तो हम इस वक्त बदायूं में मौजूद हैं और अभी समाजवादी पार्टी की एक रैली हमने देखी। उस रैली में अखिलेश यादव भी अपना भाषण दे रहे थे, आदित्य यादव उनके साथ खड़े थे। रैली खत्म हुई और रैली के बाद आप देख सकते हैं आदित्य यादव इस वक्त हमारे साथ हैं। आदित्य, आपका स्वागत है बीपी न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। तो अभी हम आपकी रैली देख रहे थे, काफ़ी जोश वहाँ कार्यकर्ताओं में था और अभी आप यहाँ आवास में आए, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। पहला चुनाव है अभी तक, आप, मैं देख रहा था कि घर पे चाहे शिवपाल जी का चुनाव हो, बाय इलेक्शन हो चाहे डिंपल यादव का, मैंने आपको देखा काम करते हुए, लेकिन खुद चुनाव लड़ रहे हैं, कितना अंतर? अंतर कोई बहुत ज़्यादा नहीं, जो कि बदायूं लोकसभा का जैसा चुनाव है और बदायूं के साथ भी बहुत पुराना रिश्ता हम समाजवादियों का रहा है जी। नेताजी जहाँ चुनाव लड़े, उसके बाद आदरणीय प्रोफेसर साहब लड़े, फिर धर्मेंद्र यादव जी दो दो बार लड़े, तो पारिवारिक रिश्ता यहाँ की जनता से रहा है। और आज जब जनता के बीच जाते हैं, आज इतनी बड़ी सभा थी, कार्यक्रम था, आपने भी कवर किया उसको जी, तो एक बहुत बड़ा जनसमूह, सभी समाज के लोग वहाँ उपस्थित रहे और सबने ये चीज़ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को एहसास कराया है कि बड़े अंतर से बदायूं के अंदर समाजवादियों का परचम 7 तारीख को लहराने वाला है। आदित्य, क्योंकि चुनाव जिस तरह से आपका अचानक टिकट डिक्लेयर हुआ, धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ेंगे, शिवपाल यादव चुनाव लड़ेंगे और फिर आपका नाम सामने आ जाता है, तो इससे क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि पहले से तैयारी करने का थोड़ा वक्त कम मिला, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये पार्टी की और राष्ट्रीय नेतृत्व की स्ट्रैटेजी रही और मैं तो कहूँगा एक मंझे हुए नेता के तौर पे आदरणीय शिवपाल जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपना फैसला लिया कि हम एक तरीके से चल के लोगों के बीच में अपने कैंडिडेचर को डिस्क्लोज करेंगे। जनता ने इस बात को, पार्टी के नेतृत्व को कहा कि हम चाहते हैं कि एक यंगस्टर फिर से यहाँ का नेतृत्व संभाले, यहाँ पे काम करे, यहाँ के लोगों को आगे बढ़ाए। एक नैरेटिव जो बनता है कि परिवारवाद, तो आप यंग हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आपको नहीं, आपको उसको, इसका जवाब आप किस तरह से देंगे, जो ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के लोग आपको लगाते हैं? देखिए, परिवारवाद का सवाल समय समय पर चुनाव चुनाव में हम लोगों को ऊपर उठता रहा है, समाजवादी पार्टी के ऊपर उठता रहा है, लेकिन मैं बस इतना कहूँगा कि आज हम जनता के बीच लोकतांत्रिक तरीके से उतर रहे हैं, जहाँ जनता को निर्णय लेना है, वोट करना है। ऐसा तो है नहीं कि मैं राज्यसभा जा रहा हूँ या MLC बन रहा हूँ, या फिर मान लीजिए हम बैट पकड़ना जानते ना हो और BCCI का हमको अध्यक्ष बना दिया जाए। बदायूं की जनता चाहेगी तो हमको जिताएगी, हम उनकी सेवा करेंगे, नहीं चाहेगी तो भाई हमको हराएगी, हम तब भी उन लोग के बीच में जाके मेहनत करेंगे। वो भी तो चुनौती होगी, क्योंकि लोग आप में शिवपाल सिंह यादव का भी अक्स देखते हैं। बिल्कुल देखते हैं और स्वाभाविक है, जनता देखेगी भी। राह चलते आदमी को पकड़ के उसके नाम से उसको बुला लेना, और वो खुद व्यक्ति अगर नेता जा रहे हैं तो उनको पकड़ के खींच लेना कि हमारी बात सुनिए, तो ये एक स्टाइल उनका रहा है काम करने का। और राजनीतिक तौर पे पिता से ज़्यादा अपना आइडल समझते हैं हम उनको। आपको बड़ी अच्छी बात बताऊँ, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि आपको चुनाव में जाना है, तो मैंने कहा था कि ठीक है आपका जैसा आदेश, लेकिन कोई सुझाव या कुछ आप देना चाहेंगे भाई के तौर पे? तो उन्होंने यही कहा था कि बोलने से ज़्यादा जनता की सुनना। तो वही मैंने किया, मैं जब आया यहाँ पे मैंने
ये नहीं किया कि मैं अपना भाषण दिया या बात करी नेता की तरह और हम चले गए। अभी अगर अखिलेश यादव जी की बात करें तो अभी चुनाव प्रचार के दौरान फीडबैक लेते हैं, वो क्या चल रहा है बदायूं में? वो भी बिजी हैं, दिन भर अब दौरों पे जा रहे हैं, सुबह से निकल जाते हैं, लखनऊ से रात तक पहुंचते हैं, रोज नहीं बात हो पाती। हाँ, लेकिन जो मेरा फीडबैक पहुंचना है या जो उनका संदेश आना है वो कभी उन तक पहुंचता है, कभी उनकी टीम तक मैं पहुंचाता हूं। मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरी सारी बातें और मेरे सारे चुनाव को बड़े क्लोजली देख रहे हैं। तो हमारे साथ आदित्य यादव थे, जिनका साफ तौर पर ये कहना है नेता तभी बनेंगे जब जनता स्वीकार करेगी। बदायूं में समाजवादी पार्टी मुस्लिम यादव समीकरण के भरोसे है। यहाँ माई वोट बैंक पर समाजवादी पार्टी की मजबूत पकड़ रही है। बदायूं का मुकाबला अखिलेश यादव के लिए साख के सवाल से कम नहीं, इसलिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी यहां प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ये 5 करोड़ से ऊपर आप कैसे को? उनके भाषणों में हार के रुझान आने लगे हैं, हार का रुझान आ गया उनके भाषणों में। आखिर उनके लिए बीजेपी के दुर्विजय सिंह शाक्य का चैलेंज कितना बड़ा है और कितना चुनौती भरा है आदित्य को जीत दिलाने का मिशन, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज ने अखिलेश यादव से बात की। जी अखिलेश जी, क्या कहना आपका? अभी मैं आपकी सभा को सुन रहा था, बीजेपी पर निशाना साध रहे थे। भारतीय जनता पार्टी अब भी कह रही है कि उत्तर प्रदेश में जो आपका इंडिया गठबंधन है मुंह की खाएगा, क्या कहेंगे? अभी रैली चल रही है बदायूं इस वक्त बीजेपी की भी। देखिए, आपको तो ये देखना चाहिए कि इस रैली में क्या समर्थन आया, उस रैली में क्या समर्थन है। और जिस सरकार से किसान नाराज हो, नौजवान की नौकरी छीनी गई हो, नौकरी का सवाल नहीं है नौजवान का, एक तिहाई जीवन इस सरकार ने खराब किया है। और जो आरक्षण जिस तरह से संविधान से खिलवाड़ हो रही है, आरक्षण से खिलवाड़ हुई है, उसका जवाब सरकार के पास क्या है? 60 लाख बच्चे रह गए जो परीक्षा लिखने गए, पेपर लीक हुए। क्या ये सरकार पेपर लीक पे बोल रही है? पहले तो कह रहे थे 400 पार, और अब उनके भाषणों की भाषा सोचिए क्या भाषा हो गई। भाषण से जिक्र है, अखिलेश कह रहे हैं कि आप बार बार सीटें बदलते रहे, बदायूं में भी आपने यही किया, कि कंफ्यूजन में समाजवादी पार्टी लोगों के बीच में ये संदेश देने की कोशिश बीजेपी कर रही है। अंतोगतवा समाजवादी परिवार को ही लड़ाना था, समाजवादी ही लड़ता यहाँ, समाजवादी ही जीतता। मैं कहूँगा बीजेपी के लोग संकल्प लें कि किसी परिवार वाले से वोट नहीं मांगेंगे, आज ही कह देंगे किसी परिवार वाले से वोट नहीं चाहिए उन्हें। अखिलेश जी, एक और बात बदायूं की अगर हम बात करें, बदायूं में इस बार आपको क्या लगता है? क्योंकि पिछली बार यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा था, जबकि 14 में 1,60,000 से धर्मेंद्र यहाँ जीते थे, लेकिन 14 में सब 19 में सब पलट गया, जबकि बीएसपी आपके साथ थे उस चुनाव में। इस बार ऐतिहासिक जीत होने जा रही है, और मैंने आपको फार्मूला बताया, 60 लाख बच्चे उनका परिवार बीजेपी को हराने जा रहा है। 3 × 60 लाख 1,80,00,000, 1,80,00,000 का भाग दे दें अगर हम 80 लोकसभाओं से, तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हुआ, इसकी भरपाई सरकार क्या करेगी? और 19 में शिवपाल जी नहीं थे साथ में, इस बार तो शिवपाल जी भी हैं, देखिए मुस्कुरा भी रहे हैं जी। तो आपने नहीं देखा शिवपाल जी, जब मुख्यमंत्री जी घबरा जाते हैं, जब उन्हें बचना होता है तो चाचा याद करते हैं वो। यूपी में बीजेपी का मिशन 80 में से 80 सीटें जीतने का है। बदायूं बीजेपी की जीती हुई सीट है, और उसने इस बार अपने किले को बचाने के लिए संघमित्रा मौर्य की जगह दुर्विजय सिंह शाक्य पर भरोसा जताया है। दुर्विजय बदायूं के ही रहने वाले हैं और पार्टी के ब्रद क्षेत्र के अध्यक्ष भी हैं। चुनाव में कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? दुर्विजय सिंह शाक्य को जिताओगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? आखिर बीजेपी के दुर्विजय सिंह शाक्य का क्या है विजय फॉर्मूला? वो है कितने बड़े चैलेंजर, ये समझने के लिए एबीपी न्यूज ने बदायूं के बैटल ग्राउंड में दुर्विजय सिंह शाक्य से खास बातचीत की। इस वक्त हम बदायूं में मौजूद हैं और दुर्विजय सिंह शाक्य साहब हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, संगठन में काम करने का लंबा अनुभव है। दुर्विजय जी, बताइए संगठन से अब चुनावी राजनीति में, और बदायूं हॉट सीट इस प्रदेश की, तो क्या क्या उम्मीद और किस तरह का चुनाव प्रचार आपका चल रहा है? जी बहुत बहुत धन्यवाद। संगठन से यहाँ तक आने का जो सफ़र है बहुत रोमांचक है। मैं सामान्य किसान परिवार में पैदा होकर आज यहाँ एक ऐसे व्यक्ति से मेरा चुनाव हो रहा है
जिनके बारे में कहते हैं कि वो बहुत बड़े हैं, ये हैं, खैर वो तो मैदान छोड़कर चले गए जैसे ही मैं आया। मुझे अच्छा लगता अगर वो मेरे सामने लड़ते, लेकिन हार के डर से शिवपाल सिंह यादव जी ने चुनाव में मैदान छोड़ दिया है। अब अपने बेटे जो राजकुमार टाइप हैं उनको मैदान में उतारा है, उनसे मैं अपनी लड़ाई नहीं मानता हूं। लेकिन शिवपाल यादव यहाँ लगातार प्रचार कर रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं और उनका कहना है कि वो अपनी अगली पीढ़ी के लिए काम कर रहे हैं, युवाओं को राजनीति में आगे लाना चाहते हैं। ये लड़ाई पीढ़ियों की नहीं है। पीढ़ी अगर अयोग्य है तो उसको थोपा नहीं जा सकता है, तो इसलिए वही मैं कह रहा हूँ, राजकुमारों से लड़ाई नहीं है। अब राजा वैसे राजशाही नहीं है, उनकी तो परिवारवादी पार्टी है। 5 कैंडिडेट लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, यादवों के 5 उनके परिवार के लड़ रहे हैं। उन्हें अगर बेटे को ही लॉन्च करना था पहले ही कर देते। मुस्लिम और यादव फैक्टर को देखते हैं तो 50% से ऊपर का आंकड़ा जाता है, तो ऐसे में अगर आंकड़ों के जरिए देखा, हालांकि मैं मानता हूँ कि चुनाव जो है वो सिर्फ अरिथमेटिक से नहीं, केमिस्ट्री से जीते जाते हैं, लेकिन फिर भी जो आंकड़ा है, क्या ये डर पैदा नहीं करता? नहीं, बिल्कुल भयभीत नहीं हूँ। ये पहले तो 50% का आंकड़ा गलत है, 50% है नहीं। दूसरी बात, पिछली बार जब बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर लड़े थे तो बदायूं की सम्मानित जनता ने समाजवादी पार्टी को उखाड़ कर फेंक दिया। अब की तो दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं। मंच पर मैं सुन रहा था संघमित्रा मौर्या भी हैं, तो उनकी नाराजगी दूर हो चुकी है, वो आपके साथ काम कर रही है, आपको लगता है कोई नाराजगी नहीं आपके संगठन के भीतर? नहीं, मुझे तो पहले दिन से उनकी कोई नाराजगी नहीं थी। जब मैं पहली बार बरेली से बदायूं आया तो पूरी यात्रा में मेरे साथ रही और लगातार मेरे हर कदम से कदम मिलाकर संघमित्रा जी चल रही हैं, कोई नाराजगी नहीं। मुसलमान आपके साथ चलेंगे, क्या आपको उम्मीद है कुछ मुसलमान आएंगे, और अगर लगता है तो इसके पीछे की क्या वजह है? आप मान देखिए, मैं पर्टिकुलर किसी एक समाज की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सर्व समाज का वोट मिल रहा है। कोई ऐसा वर्ग नहीं है, कोई ऐसी जाति नहीं है जिसका वोट बीजेपी को नहीं मिल रहा हो। ये देखिए, इनके तमाम समर्थक भी हैं शाकिर साहब। समर्थकों में मुझे एक भाई साहब ये भी दिख रहे हैं, इनसे मैं बात करना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? इसारुद्दीन अंसारी। कहाँ के रहने वाले? मोहम्मद नगर सुलहरा के। तो क्या लग रहा है आपका, आप किसके यहाँ रैली में, शाकिर साहब की रैली में आए? तो बीजेपी के समर्थक हैं जी। क्या बीजेपी ने ऐसा क्या किया कि आपको लगा कि इस रैली में आ जाना चाहिए, और ये केसरिया रंग की आपने जैकेट पहन रखी है? लगा क्या 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 किया बीजेपी ने? हमारे साथ अंकित मौर्या है, हमारे गांव के भाई हैं, उन्होंने हमारे लिए समर्थक किया, हमारे काम किए, इस वजह से हम आए थे। सच्ची बात बताइएगा शाकिर साहब, देखिए नहीं, 80 में से कितनी? 80 में 80 की 80 सीटें आने की पूरी संभावना है, मैं ही आपको तो बिल्कुल। दिग्विजय सिंह शाकिर साहब कह रहे हैं बदायूं जीतेंगे। इसके साथ ब्रज क्षेत्र के ये क्षेत्रीय अध्यक्ष भी, इनका कहना है कि ब्रज क्षेत्र की तमाम 13 लोकसभा सीटों पर भी जीत हासिल करेगी भारतीय जनता पार्टी, ये भी ये दावा कर रहे हैं। 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने मुलायम परिवार के ही धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा था। मुकाबला कड़ा था, लेकिन धर्मेंद्र को बीजेपी की संघमित्रा मौर्य ने 18,000 वोट से हरा दिया था। पिछली हार से सबक लेते हुए इस बार शिवपाल यादव ने बदायूं में डेरा डाल दिया है। हमारे परिवार का आरोप लगाएंगे भारतीय जनता पार्टी, उतना ही मार्जिन बढ़ेगा। पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में माहिर शिवपाल बेटे की जीत के लिए क्या कर रहे हैं, ये जानने के लिए हमने उनसे खास बातचीत की। बदायूं में लोकसभा चुनाव हो रहा है और इस भरे चुनाव में आप देख रहे होंगे मैं ड्राइंग रूम में बैठा हूं, एक ऐसे नेता से बातचीत करने के लिए जो ड्राइंग रूम की राजनीति नहीं करते हैं, फील्ड की राजनीति करते हैं। मैं बात कर रहा हूं शिवपाल सिंह यादव की। शिवपाल जी, आपका स्वागत है बीपी न्यूज में। इस भरे चुनाव में शिवपाल जी, ये भी देखिए, मैं एक अलग एहसास है, मैं इतने सालों से चुनाव कवर कर रहा हूं, आपसे चुनावों में जब भी मुलाकात होती है फील्ड में होती है, लेकिन खैर ये एक संयोग है। ये लोकसभा जो चुनाव है, इस बार आप रणनीतिकार की भूमिका में हैं, तो इस भूमिका को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, जो बदायूं लोकसभा है, ये हमारे परिवार की सीट रही है। यहाँ से नेताजी 2 बार सांसद रहे, 2 विधानसभा से विधायक भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे जी। तो जो भी देखिए विकास हुआ है, नेताजी जब मुख्यमंत्री रहे तब हुआ, और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे तब विकास हुआ है, और यहाँ से सांसद धर्मेंद्र यादव 2 बार रहे तो उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। आप कह रहे हैं कि विकास आपके वक्त में हुआ, लेकिन अब विकास की रफ्तार थम गई है। शिवपाल जी, एक बात बताइए कि
पहले आप यहाँ से जो पहले धर्मेंद्र यादव को यहाँ से प्रत्याशी बनाया, फिर आप यहाँ पे प्रत्याशी आए, फिर अब आदित्य यादव, तो ये जो बदलाव हुआ, ये बदलाव हालांकि कई बार आपसे सवाल हो चुके, लेकिन मुझे लगता है आज हम बैठे हैं इस बीच चुनाव में, तो एक रणनीति का हिस्सा था, संयोग था, क्या था ये? देखिए आप याद करो, नेताजी जब भी शिविर लगते थे, जब भी कोई सम्मेलन करते थे जी, तो नेताजी कहा करते थे कि जिस पार्टी में एवा अधिक होते हैं ना जी, तो वो पार्टी कभी बूढ़ी नहीं होती है जी। हम यहाँ पर आए कई दिनों बाद, हम तो सोचते रहे भाई धर्मेंद्र कोई लड़ाई है, मैंने सिफारिश भी करी जी, कि भाई उसने 6 महीना काम भी किया है वहाँ, गांव गांव घर घर सब पर के लोगों से मिला भी है, तो उसने अच्छा माहौल पैदा कर लिया था जी। तो लेकिन फिर हमारा डिक्लेयर हुआ जी, फिर हमारा डिक्लेयर हुआ, मैं यहाँ घूमा 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन, उसी बीच में आदित्य भी हमारे साथ घूमे, उनके भी कार्यक्रम मैंने क्या अलग अलग लगाए, तो एवाओं की आवाज़ आई जी कि भाई चाचा तो अब तो MLA हैं, आप पे देश देखो। उधर हमारे जसवंत नगर के लोग भी बोले कि आप तो यहीं रहिए जसवंत नगर जी, आपको उत्तर प्रदेश देखना है, आदित्य को दिल्ली जाने दो जी। तो फिर यहाँ आवाज़ जब उठी तो हमने कि चलो अच्छा है। परिवारवाद का आरोप बार बार BJP कहते कि साहब कि पूरे परिवार के लोगों को ही चुनाव लड़वा रही है समाजवादी पार्टी। अच्छा देखिए, वैसे तो अब कुछ लोगों के तो परिवार है ही नहीं जी, हैं तो कुछ लोगों के परिवार है ही नहीं, आरोप लगा देते हैं, और जितना ही जब हमारे परिवार पर आरोप लगाएंगे भारतीय जनता पार्टी, उतना ही मार्जिन बढ़ेगा हमारा। शिवपाल जी, अब क्या लगता है आपको कि 2 चरणों की बात हो गई, इसके बाद के चरणों के जो तीसरे चरण में तो देखना सफाया हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी सभी सीटें जीतेंगे। लेकिन BJP कह रही कि पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन करें। अच्छा आएगा सामने। आपको आप बहुत बहुत शुक्रिया बीपी न्यूज से बात करने के लिए। चुनावी मैदान में जिन सवालों पर सबसे ज्यादा चर्चा होती है, उनमें एक है साख का सवाल। आखिर वोटरों के मन में किस पार्टी की साख और धाक कितनी है, ग्राउंड जीरो पर हमने ये भी समझने की कोशिश की। हमारे मोदी जी बहुत कर रहे हैं विकास, सब काम कर रहे हैं, क्या गांव दे रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। कहाँ विकास हुआ, यही तो बोला विकास नहीं हो पाया। मोदी के संगी हैं, उन्हीं को वोट देंगे। क्या काम किया बताइए? मंदिर बनाया भैया, मंदिर यहाँ विकास हुआ है। कहाँ विकास हुआ बताइए? अड़ानी पैसे वाला हो गया, ये क्या कम विकास है? मोदी ने भय खत्म कर दिया गठबंधन। तो बधाइयों में आपको क्या लग रहा है? बधाइयों में भी होना चाहिए, हर जगह बनना चाहिए, टोटल अत करके रख दिए, कोई बाकी काम नहीं छोड़ा है। सुरक्षा के लिए एक आवाज में मोदी की सरकार ऐसा है कि अपना हाँ तुरंत है। क्या इशू, क्या मुद्दे आपके जहन में है इस बार का? BJP का मुद्दा है। पहले वोट को लेकर थ्रिल है बहुत, बेचेंगे इस बार। हाँ 1000 रुपए बेचेंगे। बेचेंगे वोट? और अरे फ्री में हवाली कर क्या रहा कोई? ये बताओ, पढ़े लिखे हो आप, ऐसी बात करता पर हवाली हो क्या रहा है, ये बताया हमें। ये वोट कौन खरीदता है साहब 1000 में? वोट बहुत खरीदते हैं, पकड़े आ रहे हैं फर्जी वोट डलवाने के लिए। बदायूं में 7 मई को वोटिंग होनी है, नतीजे 4 जून को आएंगे। आखिरी फैसले में जनता किसके माथे पर जीत का सेहरा बांधेगी, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन गंगा की लहरें यहां अभी से जबरदस्त मुकाबले की मुनादी कर रही हैं।